दोस्तों, ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, उमड़ती हुई भीड़, ये कोई भीड़ नहीं है। हमारे गांव में एक कलश यात्रा का आयोजन निकाली गई है, उसी में से सभी के नावों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, इसीलिए अजय नदी के बीचों बीच हम लोग अभी मौजूद है। मौजूद होने का मुख्य कारण है कि सभी को कलश में अभी जल भर दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, सभी के कलश में जल भर दिया जा रहा है और धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर रवाना होंगे। उसके बाद धीरे धीरे रास्ते में जाएंगे। आप वीडियो में बने रहें, आपको हम सब दिखाएंगे, जैसे कि देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। हाँ तो दोस्तों, सभी कन्याओं को जल भर दिया गया है। अब सभी को एक लाइन में खड़े करते हैं ताकि चलने में कोई दिक्कत ना हो, एवं चलने की जो डिफरेंट होता है, कुछ दूरियां बना के एक दूसरे के बीच चलने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए कुछ दूरियां बना के इन लोगों को खड़े करते हैं। खड़े करने के बाद हम लोग सीधे रवाना होंगे। जहाँ तक हम लोग को मंदिर है, वहाँ जाके जल को रखना है, इसीलिए हम लोग पहले इसको लाइन में कतार में खड़े करते हैं सभी बच्चियों को, ताकि चलने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, हम आपको आगे दिखाएंगे कितना सुंदर तरीके से इन लोग को लेके जाते हुए जा रहे हैं। ठीक तो जहाँ मैंने पाया, कभी सोचा न था ये मिलो दूरों का साया। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया, जब हकीकत में उसे तोड़ना था। प्रेम
प्रभु का बरस रहा है पीले अमृत प्यासे सातों तीर्थ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे कण कण में हरी क्षण क्षण में हरी मुस्कानों में असुवन में हरी मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा Oh,
Hey, Mata Di! Hey, Mata Di! Hey, Mata Di!